सर्वनाशी मध्यपान, लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आयुर्वेद के मतानुसार मादक अर्थात नशीली चीजों की व्याख्या में कहा गया है, बुद्धिम लुम्पति यद द्रव्यम मदकारी तदुच्यते, अर्थात जो वस्तु बुद्धि का नाश कर दे वही मदकारी कही जाती है। शराब पीने के प्रभावों का मूल्यांकन करने वाली विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि शराब की बोतल में एक मांस का टुकड़ा डाल दिया जाए तो वह कुछ देर में गल कर रेशे रेशे हो जाता है। इसी प्रकार अल्कोहल का जमाव जब रक्त में 0.2% से 0.5% तक पहुंच जाता है तो तेज नशे की हालत में शराब पीने वाले व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है। शरीर में प्रवेशित शराब में से मात्र 2 से लेकर 10% पसीने, फेफड़ों अथवा पेशाब के मार्ग से बाहर जाती है। शेष 90% के बोझ को लीवर झेलता है। सबसे ज्यादा हानि इसी अंग को होती है जो सारे शरीर की विभिन्न चयापचयिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। रक्त में 0.3% शराब मनुष्य की कार्यक्षमता गड़बड़ा देती है। 0.05% शराब उन्हें उच्छृंखल व्यवहार करने को विवश कर देती है एवं 0.15% शराब टॉक्सिक रेंज में आती है। अधिक मात्रा में शराब पीने से एक्सीडेंट के अवसर 7 गुने, हमारे शरीर में जहर फैलने पॉइजनिंग के अवसर 30 गुने, मृत्यु हो जाने के अवसर 16 गुने बढ़ जाते हैं। क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में औसत जीवन आयु 12 से 20 वर्ष कम हो जाता है। बेरी बेरी, पेलेग्रा, स्कर्वी, एनीमिया उसे सतत घेरे रहते हैं। मानसिक क्षमताओं की दृष्टि से वह विपन्न एवं शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से निरंतर दुबला होता चला जाता है। शराब पीने वालों में आत्महत्या की दर 2.5 गुनी अधिक एवं दुर्घटनाओं के अवसर 8 गुना अधिक होते हैं। 13 से 29% शराबी पागलों की भांति व्यवहार करने के कारण 2 माह से अधिक समय पागल खानों में बंद रखे जाते हैं। अपराध की दर ऐसे समुदाय में 43% बढ़ जाती है एवं ऐसे परिवारों में तलाक भी 8 गुना अधिक होते हैं। ऐसा वातावरण बनाए जाने की आवश्यकता है जो नशे द्वारा होने वाली धन, स्वास्थ्य, जीवनी शक्ति, मानसिक शांति एवं सामाजिक जीवन को हानि एवं इस दुष्प्रवृत्ति से छुटकारा पाने पर समृद्धि एवं उल्लास दोनों ही पक्षों से जुड़े लाभों की जनमानस को जानकारी करा सके। जो धन परिवार के पालन, जीवनोपयोगी पदार्थों की उपलब्धि तथा मानसिक स्तर को ऊंचा उठाने वाली प्रवृत्ति में लगना चाहिए वह इन अभागों के कारण शरीर को निर्बल, मन को कलुषित एवं समाज को विक्षुब्ध बनाने में खर्च हो जाता है। मनुष्य की प्रारंभिक स्थिति को ही उसका नैसर्गिक स्वभाव नहीं कहा जा सकता है। अच्छे व्यक्ति पहले भी होते थे और बुरे व्यक्ति भी। अपने काल की झांकी का दर्शन कराने वाले ग्रंथों में उनका उल्लेख मिलना स्वाभाविक है, पर दृष्टव्य तो यह है कि लोगों की उन व्यक्तियों के संबंध में क्या सम्मति रही है, उनकी प्रवृत्तियों, स्वभावों, आदतों और क्रियाकलापों को किन रूपों में ग्रहण किया गया है। मादक वस्तुओं के संबंध में शास्त्रकारों ने बड़ी स्पष्टता से काम लिया है तथा उनके प्रयोग, वर्जना और प्रयोग करने वालों की निंदा की है। मनुस्मृति में आता है, सुरा वै मल भन्नाम पापना च मल मुच्यते, तस्माद् ब्राह्मण राजन्यौ वैश्यच्च न सुरा पिवेत। मनुस्मृति 1963। सुरा को अन्न का मल कहा गया है। मल को पाप माना जाता है। मल मूत्र जैसे पदार्थ जिस तरह अभक्ष्य हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आदि सुरा रूपी मल का भी सेवन ना करें। प्राचीन काल में लोगों ने
कई प्रकार की मदिरादि बनाने की विधियां खोज निकाली थी। उनमें तीन मुख्य थी जिन्हें गौड़ी, पेष्टी और महावी कहा जाता था। तीनों मदिराएं क्रमशः गुड़, पेठे और महुए से बनाई जाती थी। इन तीनों सहित मनुस्मृति में सब तरह की मदिरा के सेवन का निषेध किया गया है। शराबी व्यक्ति को न अपराध करने में कोई झिझक होती है और न अनैतिक कार्यों से कोई अरुचि। इसी से उन लोगों में अव्यवस्था, अशांति और कलहपूर्ण परिस्थितियां बनी रहती हैं, जिन्हें दूर कर पाना लगभग असंभव ही है। शास्त्रों में कहा गया है कि दूषित आहार करने से बुद्धि भी दूषित हो जाती है और दूषित बुद्धि का व्यक्ति कभी कोई अच्छा काम ढंग से कर ही नहीं सकता। इसीलिए भारतीय मनीषियों ने नीति की कमाई से अर्जित अनाज के साथ आहार के गुण दोषों का भी ध्यान रखने का निर्देश दिया है और ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करने का भी निषेध किया गया है जो मध्य मास जैसे अभक्ष्य भक्षण पान का सेवन करते हों। मनुस्मृति में शराब का प्रायश्चित सुझाते हुए कहा गया है, गोमूत्रम अग्नि वर्षा व पिवेदुदकमेव वा पयोघृत वामरणाद गोशक कृद रसमेव वात कणानवा भक्ष्ये दब्दम पिण्याक या सक्रन्नशी सुरापाना पनुस्पथम वालवसा जटी ध्वजी। मनुस्मृति 11:92। अर्थात शराब पीने वाला मध्यपान के पाप का प्रायश्चित करने के लिए गोमूत्र, जल, दुग्ध या गोमय रस को अग्नि में गर्म कर मरने तक आजीवन पिए या बाल से बने घने कंबल को पहनता हुआ जटाविधि बन कर रहे अथवा एक वर्ष तक चावल की खल रात को एक समय खाकर रहे, तब वह मदिरापान के दोष से मुक्त हो सकता है। मादक द्रव्यों में शराब का प्रयोग सारे विश्व में सबसे अधिक किया जाता है। अमीर लोग जहां महंगी शराब पीते हैं वहां गरीब तथा पिछड़े लोग विशेषकर भारत में घरेलू भट्टियों से तैयार गेहूं, जौ, मक्का, ताड़ी, महुए, गन्ने के रस आदि को सड़ाने से बनी सस्ती किस्म की शराबों का उपयोग करते हैं, परंतु इसकी भयावह व्यापकता सभी स्तर तथा सभी वर्गों के लोगों तक फैली हुई है। शराब का सबसे अधिक दुष्प्रभाव मस्तिष्क तथा स्नायु तंत्र पर पड़ता है। वैज्ञानिक परीक्षणों से प्राप्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो गया है कि शराब से मस्तिष्क की कोशिकाओं की झिल्लियां क्षतिग्रस्त होती हैं, जिससे मस्तिष्क की कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ता है। उत्तेजित व्यक्ति नशा समाप्त होने पर अवसादग्रस्त स्थिति में पहुंच जाता है। उस समय उसे यह भी भान नहीं रह जाता कि वह किस स्थिति में कहां है। अधिक मात्रा में शराब के निरंतर सेवन से यह अवसादपूर्ण स्थिति स्थायी रूप से जीवन का अंग बन जाती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स स्नायु तंत्र को सक्रिय बनाए रहने के लिए आवश्यक तत्व है, शरीर में जिसका उत्पादन शराब के सेवन से कम हो जाता है। स्नायु तंत्र को सीधे भी यह क्षति पहुंचाती है। दोहरी मार से वह अपनी क्षमता खो बैठता है जो समस्त शारीरिक, ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। पक्षाघात जैसी बीमारियां इसी तंत्र की दुर्बलता के कारण हो जाती हैं। शरीर के लिए शराब विजातीय द्रव्य है, जीवनी शक्ति जिसे तुरंत बाहर निकालने का प्रयास करती है, फिर भी उल्टी, पेशाब तथा पाखाने के द्वारा निकल जाने के बाद भी बची शराब का 20% भाग इसी बीच रक्त में सीधे ही मिल जाता है तथा 80% भाग पाचक रसों के साथ घुलता हुआ कुछ देर में ही रक्त के साथ सारे शरीर में परिभ्रमण करने लगता है। रक्त में मिलते ही रक्त के ऑक्सीजन तथा पानी द्वारा सोख लेने के कारण प्रोटीन तथा एल्बुमिन गाढ़ा होकर रक्त प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करने लगता है। शरीर जहां एक ओर पोषक तत्व कम मिलने से कमजोर होता है, वहीं विकार एकत्रित होते रहने के कारण समय समय पर भयंकर रोगों से आक्रांत होता है। शराब के द्वारा स्नायु तंत्र तथा मस्तिष्क के अतिरिक्त
सबसे अधिक प्रभाव पाचन तंत्र पर पड़ता है। शराब अल्कोहल के पेट में पहुंचते ही पाचक रसों का स्त्राव होना कुंठित हो जाता है, जिसके कारण पाचन क्रिया धीमी पड़ने के साथ साथ वायु विकार बढ़ता तथा खून बनने की क्षमता घट जाती है। शराब से जिगर भी कम प्रभावित नहीं होता। एक ओर जहां शराबी मानसिक दृष्टि से सनकी, विक्षिप्त एवं जीवन संघर्षों में असंतुलित मनः स्थिति वाला सिद्ध होता है, वहीं शारीरिक दृष्टि से कमजोर रहने लगता है। वजन घटने, भूख मर जाने, सुबह सुबह उल्टियां होने जैसे कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। शराब जैसे मादक द्रव्यों का प्रयोग मानव जाति के लिए हर प्रकार से समस्याएं ही उत्पन्न करने वाला है। दैनिक जीवन की कठिनाइयों तथा तनावों से मुक्ति पाने के लिए इसका प्रयोग तो मृग मरीचिका ही सिद्ध होता है। इतना जानते समझते हुए भी नित्य अनेकों व्यक्ति शराब के चंगुल में फंसते, कमाई खोते और व्याधिग्रस्त होते देखे जाते हैं। यह एक प्रकार का ऐसा मायापाश है जो बरबस व्यक्ति को शराब खाने खींच ले जाता है और उसके स्वतंत्र चिंतन को कुंठित कर देता है। शराब वस्तुतः एक भयंकर अभिशाप है, फिर भी लोग चोरी छिपे बनाते और सरकारी ठेकों से खरीदकर पीते और अपना शौक पूरा करते हैं। शराब से कितने लोग बेमौत मरे, बर्बाद हुए, कितने परिवारों का अमन चैन चला गया, इसके आंकड़े तो नहीं है, किंतु अनुमान है कि प्रत्येक 100 व्यक्तियों के पीछे 15 व्यक्ति शराब पीते हैं, अर्थात 7 करोड़ भारतवासी शराब पीते हैं, और उसमें से लगभग 20,000 व्यक्ति प्रतिवर्ष असाध्य रोगों से ग्रसित और इतने ही मौत के मुंह में चले जाते हैं, और लगभग 1,00,000 व्यक्ति शराब पीकर जघन्य अपराध, हत्या, डकैती, चोरी, जुआ, व्यभिचार आदि में संलग्न रहते हैं। अवैध शराब गुड़ व शीरे से बनाई जाती है, जिसमें मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, शुद्ध स्पिरिट, फ्रेंच पॉलिश, क्लोरल हाइड्रेट, सल्फेट, नाइट्रेट ऑफ एमोनिया, कॉपर, तांबा, सल्फेट, जिंक, कंपाउंड, जस्ते का लवण आदि पदार्थ मिलाए जाते हैं। इन सब को घड़ों में भरकर शीघ्रता से सड़ने के लिए सड़े अंडे, सड़ी गली सब्जियां, मेंढक, तिलचट्टे आदि डाल दिए जाते हैं, जिससे शीघ्रता से लाहन उठे। इसमें बदबूदार कीड़े बुझबुझाते रहते हैं और मिथाइल अल्कोहल तेज जहर पैदा हो जाता है, जिसके कारण नौसिखिए शराब बनाने वाले अनेकों मौतों का कारण बनते हैं। सस्तेपन के प्रलोभन से गरीब लोग प्रायः रंग वार्निस या स्टोव जलाते समय काम आने वाली स्प्रिट पीकर शराब का आनंद लेते हैं। तात्कालिक नशा होने की बात तो उससे बन जाती है, पर यह भुला दिया जाता है कि यह जहर है। अन्य जहरों की तरह उसका सेवन भी आंशिक या पूर्ण मृत्यु का कारण बनता है। ऐसे समाचार आए दिन अखबारों में छपते रहते हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि इस जहरीली शराब के पीने से एक ही समय में एक ही स्थान पर किस प्रकार सैकड़ों मौतें हो गईं। संख्या अधिक होने के कारण वे अस्पतालों में भर्ती होते तथा मरते हैं, तब पता चलता है, अन्यथा एक एक दो दो करके तो इस आधार पर कितनी ही मौतें होती रहती हैं। स्प्रिट पीने पर नशा तो साधारण शराब जैसा ही होता है, परंतु धीरे धीरे इसकी विषाक्तता का कुप्रभाव पीने वाले के केंद्रीय स्नायु तंत्र पर होने लगता है और दृष्टि स्नायु तंत्र भी नष्ट होने लगते हैं। इससे पेट में ऐंठन, चक्कर आना, शरीर नीला पड़ना, आंतों में खराबी का होना, फेफड़ों में रक्त स्त्राव, स्नायु संबंधी विकार आदि घातक परिणाम धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। रक्त में कार्बनिक अम्लों के इस प्रकार इकट्ठे होने से रक्त की अम्लीयता बढ़ जाती है और यही मृत्यु तथा अंधेपन का मुख्य कारण है। सर्वनाशी मध्यपान। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आश्चर्य होता है
कि यह हल्के विषपान की आदत दिन दिन क्यों बढ़ती जा रही है। लोग धीमी आत्महत्या में क्यों मजा लेते हैं और अपने मित्रों को उसी कुमार्ग पर चलने का परामर्श देते आग्रह करते रहते हैं। इसका उत्तर अब खोज लिया गया है। शोध विज्ञानियों का कहना है कि शराब पीने के बाद जिस सुखानुभूति का अनुभव शराबी करते हैं वह वस्तुतः शरीर की एक अत्यंत साधारण सी प्रतिक्रिया है। जब इस शारीरिक क्रिया में उसे आनंद जैसा प्रतीत होने लगता है तो वह बार बार इसकी पुनरावृत्ति करना चाहता है। इस क्रम में उसे मध्य सेवन की नियमित आवश्यकता महसूस होने लगती है और वह उसका अभ्यासी बनने लगता है। अल्कोहल पेट में जाते ही आमाशय की दीवारों से पानी सोखता है। इस प्रक्रिया से जलन की जो अनुभूति होती है उससे पियक्कड़ अपने शरीर में गर्मी बढ़ने जैसा मिथ्या सुख अनुभव करने लगता है। ठंडे देशों तथा गर्म देशों में भी सर्दी के मौसम में नशेबाजों का शराब पीने का एक बहाना यह भी होता है, परंतु यह नितांत भ्रम है। अल्कोहल को पचाने का काम यकृत में होता है। अक्सर जब शराब तेज होती है तो अल्कोहल पेट की दीवारों से इस तेजी से पानी खींचता है कि वहां रक्त स्त्राव होने लगता है। यदि ऐसा रक्त स्त्राव बार बार होता रहे तो वहां अल्सर हो जाने का भय रहता है। शराब को सुरा, वारुणी, मध्य, मदिरा आदि नामों से पुकारा जाता है। इसे विष से भयंकर क्यों कहा जाता है, इस पर गंभीरता से विचार करने वाले एवं विश्लेषण करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि यह एक अल्कोहल है जो एक प्रकार तीव्र विष है। शराब की कितनी ही किस्में हैं, वाइन, वियर, ब्रांडी, विस्की, वोदका, शैंपेन, शेरी, पोर्ट वाइन, कंट्री लिकर आदि। वाइन में अल्कोहल जितना अधिक होता है शराब उतनी ही नशीली, जहरीली, विषैली होती है। इसके सेवन से प्रमाद, आलस्य, क्रोध, व्यभिचार, अनाचार व जुआ जैसे कृत्यों की आदत पड़ जाती है। मद्यपान की आदत पड़ जाने और उसका अत्यधिक सेवन करने से मनुष्य का मस्तिष्क विकृत हो जाता है। मस्तिष्कीय कोशिकाएं, न्यूरॉन शिथिल और निष्क्रिय हो जाती हैं। शराबी व्यक्ति को जब तक पीने को नहीं मिलता उसका मस्तिष्क काम नहीं करता। शराबियों के मस्तिष्क की कोशिकाओं, न्यूरॉन का बाहरी आवरण कठोर हो जाता है। उनके मस्तिष्कीय न्यूरॉन केवल तभी सक्रिय होते हैं जब वे दोबारा शराब ग्रहण करते हैं, अन्यथा इससे पहले ये न्यूरॉन किसी प्रकार का संकेत ग्रहण करने, उनका विश्लेषण करने और पढ़ने में असफल रहते हैं। शराब में मिली अल्कोहल न्यूरॉन के बाहरी खोल पर चिपक कर क्रमशः उसे कठोर बना देती है। इस बाहरी कठोर आवरण को नरम बनाए बिना न्यूरॉन के बीच आपसी संचार संबंध कायम नहीं हो पाता, अतः शराब पीना आवश्यक हो जाता है। शराबियों पर नशीली दवाओं की हल्की खुराक का भी कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि नशीली दवा के अणु रक्त संचार के माध्यम से मस्तिष्कीय न्यूरॉनों तक पहुंचकर उनकी सतह पर जा चिपकते हैं और उनके आपसी संचार माध्यम को भंग कर देते हैं। ऐसी स्थिति में जब तक शराब नहीं पी जाती मस्तिष्कीय कोशिकाएं आपस में संकेतों का आदान प्रदान नहीं कर सकती। आदत बन जाने, लत पड़ जाने पर नशेड़ी की मनोदशा, चेतना, अनुभूति, शारीरिक मानसिक क्रियाएं सभी परिवर्तित हो जाती हैं। विभिन्न सर्वेक्षणों से पता चला है कि मादक पदार्थों के निरंतर सेवन से व्यक्ति में पलायन एवं निष्क्रियता की वृत्ति उभरती है। उनमें निर्णय लेने की क्षमता का अभाव हो जाता है। व्यसनी व्यक्ति अंततः शारीरिक रूप से असमर्थ, मानसिक रूप से अक्षम तथा भावनात्मक रूप से असंतुलित होकर सामाजिक एवं व्यावसायिक दृष्टि से समाज के लिए अनुपयोगी हो जाता है। निराशा और कुंठा उसके जीवन का अंग बन जाते हैं। उसका आचरण उग्र और अपराधी बन जाता है तथा समाज और राष्ट्र के लिए वह एक समस्या बन जाता है। कई लोग यह मानते हैं कि शराब दवा का काम करती है और उसमें
कई औषधियां मिली रहती हैं जो स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाती हैं। यह नितांत भ्रामक धारणा है। शराब न तो कोई औषधि है और न ही कोई शक्तिवर्धक पेय। दवाओं में जिस वस्तु के प्रयोग को शराब के रूप में प्रयोग किया जाता है वह एक अलग चीज है, जिसे विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों द्वारा हानि रहित बनाकर शुद्ध किया जाता है। यह बात और है कि उन्हीं वस्तुओं से शराब भी बनाई जाती हो। यों तो ताड़ का गुड़ भी बनता है और ताड़ की शराब भी। दोनों के गुणों और विशेषताओं में आकाश पाताल का अंतर है। माना जाए कि यह दवा के रूप में हो भी सकती है, तो भी दवाओं का नित्य सेवन या अकारण सेवन भी तो कोई लाभदायक नहीं होता, उल्टे उससे नुकसान ही ज्यादा होता है। पीने वाला इसे दवा की तरह नहीं आदत की तरह पीता है, जो निर्मल स्वास्थ्य को कलुषित और विकारी बना देता है। जिस कारण से शराब को स्फूर्ति और बलदायी समझा जाता है, यह भी एक भ्रांति है। शराब पीने के बाद व्यक्ति अपने आप को थोड़ा स्फूर्त और चैतन्य भले ही अनुभव करने लगे, पर वह स्फूर्ति तथा चुस्ती शराब से तो आती नहीं। शरीर में छुपी पड़ी स्फूर्ति को ही वह बाहर निकालती है। यह ठीक इसी प्रकार है जिस प्रकार की किसी घोड़े को चाबुक मारकर भगाया जाए। शरीर संबंधी इन क्षतियों के साथ साथ शराब व्यक्ति को मानसिक और नैतिक दृष्टि से भी खोखला बनाती है। पेट में पहुंचने के बाद शराब सर्वप्रथम मस्तिष्क को अपना शिकार बनाती है। ठीक निर्णय और ठीक समझ के लिए आवश्यक बौद्धिक चेतना शराब पीते ही छू मंतर होने लगती है। यही कारण है कि शराब पीने वाले अपने होशो हवाश खो बैठते हैं। यद्यपि पीने के तुरंत बाद व्यक्ति का मानसिक संतुलन अस्थायी रूप से ही अस्त व्यस्त होता है। नशा उतरने के बाद शराबी सामान्य दिखने लगता है, लेकिन उसकी मानसिक शक्ति की जड़ें तो खोखली हो जाती हैं। शराबियों के साथ स्थायी पागलपन का खतरा भी इसी कारण जुड़ा रहता है। नैतिक दृष्टि से भी शराब ने व्यक्ति को दयनीय और पथ भ्रष्ट बना दिया है। देखा गया है कि अधिकांश अपराधी शराबी होते हैं। मानवीय मर्यादाओं के विरुद्ध खूंखार निर्णय लेने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति साहस कर ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी अंतरात्मा बड़ी प्रबलता से इसका विरोध करती है और ऐसा न करने के लिए उस पर दबाव डालती है। लेकिन जब व्यक्ति अपनी आत्मा को एक बार कुचलने में सफल हो जाता है, तो उसे दोबारा वैसा साहस करने में आत्मा का इतना विरोध नहीं सहना पड़ता, क्योंकि तब वह अपनी आत्मा की उपेक्षा करने का रास्ता पा चुका होता है और वह निस्संदेह मादक बेहोशी ही है। अंतरात्मा की पुकार को समाज शास्त्रीय भाषा में व्यक्ति की नैतिक चेतना भी कहा जा सकता है, जिसके अनुसार व्यक्ति समाज के अन्य सदस्यों को किसी प्रकार की हानि या क्षति पहुंचाए बिना अपना हित साधते रह सकता है। लेकिन मध्य का सेवन करते ही व्यक्ति की यह चेतना भी लुप्त हो जाती है। इसके साथ ही व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण से बेखबर और बेहोश हो जाता है। तब किसी अन्य की उपस्थिति का आभास भी उसे नहीं रहता और न ही आवश्यक सावधानियां तथा सतर्कताएं बरतने का होश। यही कारण है कि शराबी ड्राइवर और चालक अक्सर दुर्घटनाएं कर बैठते हैं। अपना सर्वनाश करने के साथ दूसरे निर्दोष प्राणियों और जंतुओं का भी नाश कर देते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अल्कोहल के शिकार कई मृत व्यक्तियों के जब शव परीक्षण किए गए तो उनकी डिंब ग्रंथियों के सभी ऊतक पूर्णतः नष्ट पाए गए। इसी तरह शराब पीने से व्यक्ति की प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति नपुंसकता का शिकार बनता चला जाता है। जिन गर्भवती माताओं ने अल्कोहल का सेवन किया, उनके बच्चों को विकलांगता का शिकार बनना पड़ा है। मद्यपान से व्यक्ति के गुर्दे शीघ्र नष्ट होने लगते हैं। मद्यपान की लत किसी भी कारण क्यों न पड़ी हो, पर उसके सेवन से मानव जीवन तथा समाज व्यवस्था अत्यंत दुष्प्रभावित हुई है।
शराब सेवन की अंतिम परिणति कंपनोमात के रूप में प्रकट होती है। जब शराब उपलब्ध नहीं हो पाती अथवा अत्यल्प मात्रा में ही उपलब्ध होती है तो इस रोग में समस्त शरीर में कंपन शुरू होता है, भूख मिट जाती है, मिचली आने लगती है, दृष्टि भ्रम जैसे लक्षण प्रकट होने लगते हैं। अंततः व्यक्ति पागलपन का शिकार होकर आत्महत्या करने से भी नहीं चूकता। आंकड़े बताते हैं कि आज 20% मृत्यु प्रायः इसी के कारण घटित हो रही है। समय रहते यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया और रोकथाम के उपाय नहीं किए गए तो मद्यपान का पिशाच एक दिन दुनिया की अधिकांश आबादी को काल के गाल में समेट लेगा। मद्यपान चूंकि मनुष्य की सोचने विचारने की, समझने बूझने की विवेक शक्ति को विदा कर देता है, इसलिए शराब को मनुष्यता का शत्रु कहा गया है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति और विशेषता यही तो है कि सोचने विचारने और समझने बूझने में सक्षम है। मस्तिष्कीय विशेषता ही एकमात्र वह विशेषता है जो मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करती और विशिष्ट बनाती है। जब यही शक्ति नष्ट हो जाए या निष्क्रिय पड़ जाए तो मनुष्य मनुष्य भी नहीं रह जाता और पशु भी नहीं बन पाता। इसीलिए कहा गया है कि शराब जब मनुष्य के भीतर प्रवेश करती है तो वह सबसे पहले आदमी को बाहर निकाल देती है। यह कथन अक्षरशः सही है। जब मनुष्य की सोचने विचारने की शक्ति को ही निष्क्रिय कर देती है तो उसमें भला बुरा सोचने समझने की शक्ति कहां से आएगी। यही कारण है कि संसार में जितने भी अपराध होते हैं उनमें से अधिकांश शराब पीने के बाद ही किए जाते हैं। कुल मिलाकर शराब के कारण मनुष्य के स्वास्थ्य, धन, समय और मान मर्यादा तो नष्ट होते ही हैं। उस सब को परे छोड़ दिया जाए तो भी चारित्रिक एवं मानवीय दृष्टि से मनुष्य का जो अधः पतन हो जाता है वही एक इतना बड़ा कारण है कि मद्यपान अनुचित, अवांछनीय, घृणित और त्याज्य ठहरता है।